राजस्थान में कांग्रेस ने 43 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। सूची में ज्यादातर मंत्री और विधायकों को टिकट दिए गए हैं। इसके अलावा निर्दलीय और संकट के दौरान सरकार का साथ देने वाले नेताओं के नाम भी इस सूची में शामिल है। इस सूची में ब्यूरोक्रेसी के टॉप पर रहे पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत से टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद ज्यादातर प्रत्याशियों ने उत्साह का प्रदर्शन किया। इससे पहले एक और सूची कांग्रेस ने जारी कर चुकी है जिसमें 33 नाम थे। इस तरह से अब तक कांग्रेस 200 में से 76 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस दूसरी सूची में कुल 43 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने इससे पहले शनिवार को अपनी पहली सूची जारी की थी जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होना है। 25 नवंबर को प्रदेश में मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे।